हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यूनिक रेसिपी। कई बार हमारे घरों में होता है कि घर में सब्जी नहीं है तो हम क्या बनाएं। तो अगर आपके घर में सब्जी नहीं है तो आप सिर्फ प्याज से और मलाई से बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हो। देखने में इतनी डिलीशियस है, आप खुद ही देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में तो सुपर टेस्टी है। ये राजस्थान में ज़्यादा फेमस होती है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ले ली हैं प्याज। तो ये मैंने छोटी छोटी प्याज ली हैं। अगर आपके पास छोटी प्याज ना हो तो आप बड़ी ले सकते हैं, उनको चार पीसेस में कट कर सकते हैं। घर की मलाई ली है, फ्रेश मलाई, इसको थोड़ा सा फेंट लिया है। और बस इन्हीं दो तीन इंग्रेडिएंट से और घर के बेसिक मसालों से हम ये चटपटी सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे हींग। हींग हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राई भी डाली है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। तो ये सब चीज़ें अच्छे से भुन जाएं, राई अच्छे से चटक जाए। तो उसके बाद में मैंने यहाँ ऐड किया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी हर सब्जी में ही कड़ी पत्ता डालती हूँ, इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सब्जी में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ये प्याज। और अब हमें अपनी इन प्याज़ों को अच्छे से भूनना है इस मसाले में, मतलब इस तेल में। तो तब तक भूनना है जब तक कि इसकी जो ये पेटल्स हैं वो अलग अलग ना हो जाएं। जैसे जैसे आप प्याज को भूनते जाओगे और ये सिकती जाएंगी तो इनकी एक एक पंखुड़ी अलग होती जाएगी। आप खुद देख सकते हो, हमेशा जब भी हम छौंक वगैरह लगाते हैं तो आपको पता ही होगा। इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इनको अच्छे से भून लेंगे। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 टमाटर। तो ये सिर्फ खटास के लिए है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अदरक लहसुन का यूज़ कर सकते हो। आज मेरा पेस्ट नहीं था मेरे पास में, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, जिससे कि जो प्याज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर भी गल जाएं। और इस तरीके से इसकी पेटल्स आप देखेंगे, जब आप प्याज को दबाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगी, इसकी जितनी भी पंखड़ी हैं सब खुल जाएंगी। देखिए इस तरीके से ये सब खुल जाएंगी प्याज, और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप इसको अपने हिसाब से जितना भी कलर आप इसमें प्याज में देना चाहो दे सकते हो। 2-3 मैंने यहाँ पर खड़ी लाल मिर्चें ऐड की हैं। आप चाहो तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप चटपटा खाते हो। उसके बाद में हम यहाँ ऐड कर देंगे मलाई। तो ये घर की फ्रेश मलाई है, बस मलाई खट्टी ना हो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, फ्रेश होनी चाहिए। और इसको डालने के बाद में आप देखिए, मलाई ने अपना घी छोड़ दिया है, जो मलाई में थोड़ा बहुत घी होता है वो भी छोड़ दिया है। और इसी में अब ये पकेंगी प्याज हमारी काफ़ी अच्छे से। कलर के लिए मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है यहाँ पर। तो मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो खटास के लिए। और इनको हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि ये जो घी है ये सेपरेट ना हो जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे। और इसका टेक्सचर इतना बढ़िया है, आप देख सकते हो। तो आप इनको गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हो। आप इसको चाहो तो अचार की तरीके से भी बना के रख सकते हो, 2-4 दिन ये फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और रोटी के साथ में, किसी भी मील के साथ में आप इसको ले सकते हो अचार की तरीके से, वो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही फेवरेट है मेरा, मैं हमेशा इसको बनाती रहती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही इजी है, इंस्टेंट 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके घर में प्याज होना चाहिए और मलाई होनी चाहिए बस।
तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये यूनिक सी रेसिपी। मैंने ऊपर से थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया है इस पे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।